नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अब पूरे जीवन भर जेल में रहेगा। जी हाँ, वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जैसे ही इस बात की जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसको मिली, वो बहुत मायूस हुआ। फिलहाल वो बांदा जेल में बंद है। पूरा मामला क्या है? 10 जून 1987 को मुख्तार अंसारी ने दुनाली बंदूक का लाइसेंस डीएम और एसपी के फर्जी हस्ताक्षर से हासिल कर लिए थे। इसको लेकर के मामला दर्ज हुआ था। 36 साल पुराना ये मामला है। आईपीसी की धारा 466, 468, 120 समेत तमाम धाराएं लगी हुई थी और अब इसमें खबर आ रही है कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी के उसी दिन बुरे दिन शुरू हो गए थे जब योगी सरकार ने सत्ता संभाल ली थी। पंजाब के जेल में बंद थे, उनको लाया गया उत्तर प्रदेश। आपको याद है किस तरीके से उत्तर प्रदेश उनको लाया गया था? बचाने के लिए पूरी कांग्रेस की तत्कालीन सरकार जो पंजाब की थी वो एकजुट हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। खूब रस्साकसी हुई थी, लेकिन सीएम योगी नहीं माने थे और जो दलील पेश की गई थी उसके बाद उन्हें यूपी लाया गया और उसके बाद मुकदमों का ट्रायल शुरू हुआ। मुख्तार अंसारी एक हिस्ट्री सीटर, गैंगस्टर, माफिया डॉन के नाम से जाना जाता है। लंबे समय तक राजनीति भी किया, समाजवादी पार्टी का दामन थमा, मुलायम सिंह के नज़दीकी रहे। सपा की सरकार में इनकी तूती बोला करती थी, लेकिन अब जो है एक एक करके मुकदमों के ट्रायल में जो है इनको सजा सुनाई जा रही है और इस मामले में इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एक और मामला आया था जिसमें कि 7 साल की सजा दी गई थी, उसमें जेल अधीक्षक पे रिवाल्वर तानने और धमकी देने का मामला था। ये मामला हाईकोर्ट में गया, वहाँ से भी 7 साल की जब सजा पे मुहर लगी तो मुख्तार अंसारी सुप्रीम कोर्ट भागे भागे पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने साफ साफ कहा कि ये इतना खतरनाक अपराधी है कि इसे कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए, इसे तो पूरे जेल जीवन जो है जेल में रहना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में बहुत तगड़ी पैरोकारी की थी और इसी बीच आ गया ये फैसला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी सब कुछ सुन रहे थे और इस फैसला हुआ है कि अब आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा रही है। दर्जनों मामले हैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ, जिसमें कृष्णानंद राय के जो जान गई थी उसको लेकर के और छोटे बड़े मामले जो है दर्जनों हैं। कृष्णानंद राय मामले में बेशक कि बच गए थे, लेकिन अब जो एक एक करके ट्रायल शुरू हुए हैं उन मामलों में बचना मुश्किल है, क्योंकि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ट्रायल तक जेल में रखना एक बात है और ट्रायल में सजा दिला करके रखना दूसरी बात है। योगी सरकार की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में सजा हो, उसके लिए पुख्ता सबूत पेश किए जाए, क्योंकि अपने देश में है क्या कि जो सजा का रेट है वो बहुत कम है, क्योंकि कायदे से न तो इन्वेस्टिगेशन होता है न सबूत पेश किए जाते हैं, और ख़ास तौर से तब जब सामने वाला जो है माफिया डॉन हो तो यूँ भी जो गवाह टूट जाते हैं। लेकिन योगी सरकार इस मामले में जरा भी ढीली नहीं पड़ रही है। गवाहों को सुरक्षा देने की बात हो, गवाही की बात हो या सबूत जुटाने की, इस तरीके से मुख्तार अंसारी पूरे जीवन भर के लिए जेल में रहेंगे और सलाखों के पीछे रहेंगे। लंबा नप गए हैं। रहिए नबी अकबर, देखते रहिए इनका।